शिवनो सुन यार, कितना अच्छा लग रहा है ना यार, चारों तरफ ये हरियाली, ये ताजी हवा, I just love it. Yes, it's nice. You know, ये एरिया देख रही हो? ये हमारी लैंड है और ये हमारा फैक्ट्री एरिया, और वो बिल्डिंग देख रही हो? वो हमारे शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, हमारे ऑफिस की बिल्डिंग. I'm impressed. पता है, मुझे पूरा यकीन है इस पूरे आगरा शहर में no one can match us Rajwansh in business. Wow. रणवीर, वैसे तुम लोग करते क्या हो? I mean, what's your family business? Sweetheart, we are into chemicals, water parts, cement, and lots more. It's a long list, sweetheart. That's nice. यानी कि ये सब अब तुम्हारा होगा, right रणवीर? इतना बड़ा business अकेले handle करना होगा तुम्हें, है ना? No, no, not exactly. देखो, आलेख भाई हैं, नवीन भाई हैं, हम लोग सब लोग मिलके संभालेंगे ना. और वैसे भी इन सारी बातों से हमें क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता. I mean, I like these green hills and a simple life. और सच पूछो तो these long business talks, it really bores me. और अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं कहीं पे भी खुश रह सकती हूँ. That's my goal. And catch me if you can. Yes, you did. Come on, let's have juice. Ranveer, तुमने मुझे इतना दौड़ाया. I'm sweating too much. I need to go change, okay? अच्छा. अरे वाह, लगता है किचन में कुछ स्पेशल बन रहा है. भाभी, आज हमने पूड़ियाँ बनाई है. रणवीर, आपके भैया की फरमाइश है. आपका मतलब उन्होंने आपसे खुद का? क्यों ना कहे, पत्नी है उसकी, हक बनता है उसका. ऑफ कोर्स छोटी माँ. और तुम्हारे चाचू ने जलेबियाँ भेजी हैं, साथ ना ब्रेकफास्ट के साथ इन्हें भी सर्व कर देना. अरे छोटी माँ, आई जस्ट लव इट. आपको पता है भाभी, अमेरिका में काफी जगह इंडियन स्वीट्स मिलती है, लेकिन जो मजा यहाँ की मिठाइयों का कहीं नहीं है. भाभी, इन पूड़ियों के साथ आलू की सब्जी बनाती है. थैंक यू भाभी, यू आर टू गुड, ग्रेट भाभी. भाभी, एक और चीज, अभी मैं फ्रेश होके आता हूँ तो पीछे से आप 20-30 पूड़ियाँ बना के रखना. चलिए छोटी माँ. देखा, मैंने सुन के कितना खुश हो गया. जी छोटी माँ, मेरे मामा जी को भी पूड़ियाँ बहुत पसंद है, खासकर मेरे हाथ की. पूड़ी बहुत अच्छी है. परफेक्ट. खाइए ना.
वेरी गुड वेरी गुड, बहुत टेस्टी है। अब तू मेरे लिए रोज पूरी बनाया कर, ओके? रोज? लेकिन रोज तो पूरी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती ना। अच्छा, लेकिन नाश्ता और नाश्ता लंच और डिनर तीन बार में से एक बार तो खा सकता हूँ ना। ऐसा खाना खाने की मेरी क्लास में होती है ना। आदत है तो अपने तक ही रखे, हम पे ना थोपे। एक्चुअली सभी का मन था पूरी और सब्जी खाने का, इसलिए मैंने मुझसे पूछा था तुमने। और मुझे समझ नहीं आता जब घर में इतने नौकर हैं तो तुम किचन में गई क्यों? शट अप डॉली। सब्जी बहुत अच्छी बनी है। हाँ सच। अरे रणवीर और सोनिया नहीं आए अभी तक?
सूरज तो बहुत एक्साइटेड था इस ब्रेकफास्ट को देखकर। वो लोग शायद अपने कमरे में होंगे, मैं भी उन्हें बुला के लाती हूँ। ये एरिया देख रही हो, ये हमारी लैंड है। पता है, मुझे पूरा यकीन है इस पूरे आगरा शहर में नो वन कैन मैच अस राजवंश इन बिजनेस। स्वीटहार्ट, वी आर इनटू केमिकल्स, वाटर पार्क, सीमेंट कंस्ट्रक्शन, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट स्वीटहार्ट। नीचे ब्रेकफास्ट के लिए इंतजार करें, चलो। हाँ चलो। मैंने पार्टी में तुमसे इनकी जॉब के बारे में बात की थी। तुम मीना मालती कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारा काम कभी भूल सकती हूँ क्या? तुम अपने पति को नवीन के पास भेज दो, वो उसे नौकरी दिलवा देगा। सच? अरे थैंक यू कमोक, थैंक यू। झूठ तो मैं बोलती नहीं, तूने बचपन की दोस्ती की लाज रख ली। हाँ अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे मेरा ये छोटा सा काम, तुमसे 10 बड़े काम करवाएगा मालती। अच्छा सुन, अब मैं रखती हूँ। हाँ जल्दी से जाकर इनको ये बात बताऊंगी ना, अरे ये तो बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है चल रखती हूँ। अरे मालती मेरी बात तो सुनो, मैं आज तुमसे मिलना चाहती हूँ। आज? मगर क्यों? कमाल करती हो मालती, सहेलियों को मिलने की कोई वजह जरूरी है क्या? बाहर मिलेंगे हम, गप्पे लड़ाएंगे, शॉपिंग करेंगे और क्या। ये बात भी ठीक है, कब मिलना है? आज शाम को, वही शॉपिंग मॉल के पास, आ रही हो ना? चलो ठीक है, मैं शाम को 6 बजे वहां पहुंच जाऊंगी। ठीक है रखती हूँ। हाँ बाय। राजवंश परिवार की बहू है। अरे तुम्हें तो पूरी पूरी इज्जत देंगे नवीन जी।
अच्छी तरह जानती हूँ ये कम्मो इतनी मेहरबान क्यों हो रही है। कुछ तो काम जरूर होगा उसे मुझसे। मैं भी कोई कम थोड़ी ना हूँ। लड्डू की तरह नहीं घुमाया उसे तो मेरा नाम भी मालती नहीं। अरे तुम अब क्या सोचने लग गई? हाँ कुछ नहीं, अब तुम बस वहां चले जाओ, देखना मामला फिट हो जाएगा। मैं तुम्हें अपनी पेंटिंग दिखाता हूँ। आलाजी की पेंटिंग? मैं तो कब से वो सारी पेंटिंग देखना चाहती थी, पर आज तक पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। आओ बैठो, बैठो बैठो, आओ ना बैठो, बैठो दोस्त, बैठो बैठो ना। देखो ये बहुत अच्छी होंगी ना। तुम्हें कैसे पता? अब तक तो तुमने देखी भी नहीं ना। हाँ उठाओ और देखो। हाँ लो पहले देखो, एक एक करके देखो। मैंने कहा था ना कि आपकी हर पेंटिंग बहुत अच्छी होगी, सब बहुत प्यारी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।